तब तक इस वीडियो को बने रहिए शुरू से लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला है। हाँ मेरी जान, बहुत मजा आएगा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ओ माय गॉड, 8:30, ओ अब बहुत जल्दी से उठना पड़ेगा, बहुत लेट हो गया है, बहुत सारा काम पड़ना है, फ्रेश भी होना है, और जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं और चलना है डीप टी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अब मैं तैयार होके खाना पीना खा के अब रेडी होके चलता हूँ अपने ड्यूटी पे। तो गाइस, देखते हैं हमारी गाड़ी चार्ज है या नहीं है, तो उसको चार्ज करेंगे और चार्ज करके सर सफाई करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को गाड़ी का लोकेशन दिखाता हूँ। अब हमारी गाड़ी चार्ज हो गई है, कोई चार्ज में लगाया था बहुत देर से, और अब इसको चलते हैं सर सफाई कर लेते हैं बढ़िया से। बहुत कचरा हो गया है, दो दिन से वेट कर रहे थे गाड़ी का, और फटाफट चार्ज करके और अपने जॉब पे निकलेंगे। तब तक इस वीडियो को बने रहिए शुरू से लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला है। हाँ मेरी जान, बहुत मजा आएगा। तो आ गए अपने लोकेशन पे माल लेने के लिए, अब जा रहा हूँ, गार्ड से पूछा हूँ, बोला है कि फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, अभी सीढ़ी चढ़ के चलना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर पे। तो धीरे धीरे जा रहे हैं, देखते हैं कौन सा माल है लोड करना है। भाई, नोएडा का माल लोड करना है, नोएडा का माल लोड करना है, कौन सा माल है? तो गाइस, ये माल है, ये लोड होगा, तो अब इसको लोड करवाते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं और वहाँ पे डिस्पैच कैसे होता है मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखो मशीन सारी है, एक प्रिंटर मशीन है, ये कौन सी मशीन भैया? लेजर मशीन। ये देखिए कैसे काट रही है, ये देखिए, ओह माय गॉड, ये तो यार ऑटोमेटिक मशीन है ना भैया, हाथ को कुछ, हाथ से कुछ नहीं करना पड़ रहा है, देखो ऑटोमेटिक सब कंप्यूटर से। क्या जमाना यार, क्या जमाना आ गया भैया, देख लो जमाना बहुत आगे, टेक्नोलॉजी यार दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इसका कोई जवाब नहीं है, हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं है कि मैं कुछ बोलूं। देखो आज का वीडियो तो कमाल कर गया यार, कमाल कर गया यार, क्या बात है यार। देखो तुम, ओह क्या बात है यार, बंद हो गया, अब यहाँ से चले नहीं, फिर अभी से जाम लगना चालू हो गया। देखिए हमें माल मिला है 63-59 का, और वहाँ पे जाएंगे आपको दिखाएंगे और माल सेपरेट है कि नहीं है, तो चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं धीरे धीरे अपने लोकेशन पे। देखो बीच रास्ते में रुक दिया है, अब किधर से जाए, बातें कर रहा है, अब ये नहीं कर रहा है कि मैं आगे निकाल लूँ। देखिए गेट बंद कर रहा है, टाटा की बहुत बड़ी कंपनी है। दोस्तों मैं उस जगह आके रुका हूँ जो दिल्ली और यूपी का बॉर्डर लगता है, और मैं जहाँ खड़ा हूँ वो जमुना जी का बीचों बीच के फ्लाईओवर पे मैं खड़ा हूँ, देखिए, और इधर यूपी है और पीछे हमारे दिल्ली है। तो दिल्ली के अपेक्षा यूपी में देखिए बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और सफाई के मामले में मैं बता दूँ ये दिल्ली की अपेक्षा यूपी में बहुत सफाई है। तो मैं धीरे धीरे मैं अपनी गाड़ी को बढ़ाता हूँ और दिखाऊंगा आप लोगों को। दोस्तों अगर इस बिल्डिंग की ऊंचाई की बात करें तो लगभग मैं बता दे रहा हूँ 60 फ्लोर है, लगभग इसकी ऊंचाई 60 फ्लोर है। तो दोस्तों हम आ गए ग्रेटर नोएडा हाईवे एक्सप्रेसवे पे, तो हम दिखा रहे हैं, इस समय मैं खड़ा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क के बगल में, जस्ट खड़ा हूँ। देखिए परिंदे अपने चुम चुम के दाना खा रहे हैं। इधर इधर जो है
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क है जो मायावती के शासनकाल में बना था। अगर मैं इस पार्क की बात बताऊं तो मायावती ने बहुत अच्छा काम किया जो अम्बेडकर पार्क बनवाए हैं और एक पर्यटक स्थल भी है। तो हम आ गए अपने लोकेशन पे और माल उतरेगा। ये देखिए सब बिखर गया क्योंकि ये गत्ता है ना, इसीलिए घचकी उचकी पड़ती है तो बिखर जाता है। ये देखिए तो गाइस अगले वीडियो मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोगों जय हिंद जय भारत। तो अगला वीडियो हम लेके आ रहे हैं बहुत खूबसूरत जिस पे आप लोग अच्छा से अच्छा वॉच करना। ठीक है, ओके, बाय बाय।